जापान में शिंजो आबे से मिले पीएम मोदी, मजबूत रिश्तों से जुड़ेगा नया अध्याय। मन की बात में बोले मोदी, इस बार पटेल की जयंती होगी खास, विश्व की होगी सबसे ऊंची प्रतिमा। वंशवाद पर बोले गडकरी, पहले पीएम के पेट से पीएम और सीएम के पेट से सीएम पैदा हुए, इसे बदलना होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, हुर्रियत के इशारे पर चलते हैं कश्मीरी नेता, पथराव में जवान होने पर फूटा गुस्सा। दिल्ली में मायावती से मिले चंद्रबाबू नायडू, मिशन 2019 के लिए सरगर्मी तेज, बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन पर हुई चर्चा। रोज चुनाव नहीं लड़ेंगे रामविलास, सेहत खराब होने के कारण कर रहे विचार, राज्यसभा जाने की हो रही चर्चा। पाटीदार नेता का बड़ा आरोप, कहा हार्दिक पटेल के अनशन के पीछे थे प्रशांत किशोर। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विवादित बोल, कहा विभाजन के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं हिंदुस्तान भी जिम्मेदार। कश्मीर में डबल अटैक, त्राल में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, बडगाम में एसपीओ को मारी गोली। योगी मंत्रिमंडल का कल हो सकता है विस्तार, राजभवन में शुरू हुई शपथ ग्रहण की तैयारियां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राम मंदिर पर सीएम योगी का बयान, बोले सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है फैसला, तो राम मंदिर में देरी क्यों। बाना थाने के अंदर युवक की संदिग्ध मौत, मौत के बाद ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा, पुलिस पर हत्याकारों। बलरामपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 50,000 का नामी गोली लगने से घायल, एक सिपाही भी जख्मी। झांसी में डेस्क पर 6 माह के बच्चे को सुलाकर ड्यूटी निभाती दिखी सिपाही, डीजीपी ने घर के पास की पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों का आतंक, आबादी वाले क्षेत्र में घुसा 40 हाथियों का झुंड, दहशत में आए ग्रामीण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का चमोली दौरा, कृषि व्यापार मेले का किया उद्घाटन, 2:30 बजे कर्णप्रयाग के लिए होंगे रवाना। अपनों को मनाने में कांग्रेस रही कामयाब, सचिन उपाध्याय ने वापस लिया नामांकन, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जताया आभार। देहरादून में आप कार्यकर्ताओं ने की बैठक, मेयर प्रत्याशी रजनी रावत ने निकाय चुनाव में जीत दिलाने का किया दावा। चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी प्रत्याशी, घर घर जाकर जनता से मांग रहे वोट, बीजेपी सरकार की गिना रहे उपलब्धियां। फैक्ट्रियों से फैलाए जा रहे प्रदूषण का मामला, बढ़ते प्रदूषण पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने के आदेश। दिल्ली में हवा की हालत हुई खराब, कुछ दिनों में स्थिति ज्यादा गंभीर होने की आशंका, गाजियाबाद और गुड़गांव के हालत बेहद खराब। दिल्ली में प्रदूषण से नाराज केंद्र सरकार, सरकारी एजेंसियों पर दर्ज होगा आपराधिक केस, निर्देशों का नहीं किया गया पालन। बीसीसीआई की महिला शिकायत विभाग प्रमुख ने दिया इस्तीफा, मीटू में फंसे राहुल जौहरी केस की कर रही थी जांच। मीटू पर बोले सैफ अली खान, कहा किसी में नहीं हिम्मत कि मेरे घर वालों के साथ करे कुछ गलत। अमेरिका के पिट्सबर्ग में यहूदी धर्मस्थल के पास गोलीबारी, 11 लोगों की मौत, हिरासत में लिया गया संदिग्ध हमलावर।